आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक चीज के इन्वेंशन के बारे में जानने वाले हैं जो आज के टाइम में सभी लोगों के घरों में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और अगर इस चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो आज साहब आप और मैं जीवित ही ना होते। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। फैक्टॉन के वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम उस चीज के इन्वेंशन के बारे में जानने वाले हैं जिसका यूज बिजली के तार पे लगे कवच बनाने के लिए होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इन्वेंशन असल में एक छोटी सी गलती की वजह से हो गया था। जी हाँ, एक छोटी सी गलती। आइए जानते हैं। फ्रिज में यूज होने वाली गैस जहाँ फ्रिज को ठंडा करने के लिए काम आती है, वही अगर ये गैस गलती से भी लीकेज हो जाए तो इंसान की ना सिर्फ तबीयत बिगाड़ सकती है बल्कि जान भी ले सकती है। रेफ्रिजरेटर की ये गैस बनाने वाली कंपनी डू पॉइंट के नाम से जानी जाती है। उनको इस गैस का कोई ऐसा स्वरूप चाहिए था जो इंसानों के लिए खतरनाक ना हो, और इसी काम के लिए उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी की सर्विसेज भी हायर कर रखी थी। रॉय प्लंकेट इस कंपनी के लिए एक ऐसी गैस बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो इंसानी जान के लिए खतरनाक ना हो। एक्सपेरिमेंट में जो गैस बनी वो तो किसी भी काम में ना आई, लेकिन वो गैस अपने पीछे एक अजीब सा केमिकल छोड़ गई थी। जब रॉय ने इस केमिकल पर काफी सारी रिसर्च की तो उसे मालूम पड़ा कि ये केमिकल किसी भी चीज से चिपक भी नहीं रहा है, पर इसको -73 से 240 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 1941 में फ्रिज के गैस को बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल इजाद हो चुका था जो आज इलेक्ट्रिक वायर्स के कोटिंग के साथ साथ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की कोटिंग में भी काम आता है। पर ये केमिकल टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है जिसका यूज आज लगभग सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वायर और विद्युत अवाहक चीजों की बनावट में भी होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए दी हुई टेफ्लॉन वायर की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपकी अच्छी खासी नॉलेज भी बढ़ी होगी। चलिए आज की हमारी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मेरे चैनल के जरिए आपको अपनी पसंद के वीडियोस मिलते रहे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले ताकि हमारे दूसरे वीडियोस भी आप देख सकें।